नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह आप सभी का न्यू टॉकर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत में पिछले महीने मार्च में 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जो 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला था। लेकिन 14 अप्रैल को फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन को बढ़ाकर आगे 3 मई तक के लिए कर दिया गया है। यानी कि अब 3 मई तक के लिए हमारी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण भारत में कोरोना जैसी महामारी संकट को छाया हो उसको खत्म किया जा सके। इसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए थे, जिसमें एक निर्देश यह था कि जो आयुष मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसमें बताया गया है कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाए, यानी कि इम्यूनिटी का हमारे कोरोना वायरस जैसे संकट को खत्म करने के लिए एक बहुत ही बड़ा अहम रोल करता है। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी तो आपको कोरोना वायरस जैसे महामारी से कोई संकट नहीं रहेगा। तो आज की हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि घर बैठे रोग प्रतिरोध क्षमता यानी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए और कोरोना जैसी महामारी संकट से कैसे छुटकारा पाया जाए। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा COVID-19 महामारी से बचने के लिए आयुष मंत्रालय की कुछ गाइडलाइंस के बारे में बताने की घोषणा की गई थी। वो गाइडलाइंस के बारे में आपके सामने लेकर आए हो, जिसमें बताया कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने COVID-19 महामारी के इस वक्त में आयुर्वेद से रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाकर यानी अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर इस संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। जिसके अनुसार विशेषज्ञों ने इसे फ्लू के बताया, जो आमतौर पर बुखार, सर्दी, जुखाम, नजला, सूखी खांसी जैसी परेशानी से निपटने के लिए ये नुस्खे जो बताए काफी मददगार होंगे और आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सभी वो घरेलू उपाय जो आयुष मंत्रालय के द्वारा बताए गए, इसलिए आप इन सभी को ध्यानपूर्वक समझें। ऐसे करने से आप अपने कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं। जो प्रमुख उपाय है उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा उपाय, प्रतिदिन हमें क्या है, गर्म पानी से सेवन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन हमें गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, जिससे हम कोरोना वायरस जैसी महामारी के संकट से बच सकते हैं। इसके साथ साथ हल्दी, जीरा, लहसुन, धनिया, जो आसानी से हर व्यक्ति के घर की रसोई में मिल सकते हैं, उसको खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। हमें खाने में हल्दी, जीरा, लहसुन और धनिया का उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और अगर आपको इजीली अवेलेबल हो जाए च्यवनप्राश, जो सभी दुकानों पर मार्केट में अवेलेबल हो सकता है, उसको सुबह और शाम जरूर लें, जिससे आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाएगा। और मधुमेह होने पर अगर आपको डायबिटीज है तो शुगर फ्री च्यवनप्राश भी आप ले सकते हैं। अगला नुस्खा जो आपको घर बैठे ही करना है, ये भी दिन में एक या दो बार गर्म दूध में आधी चम्मच हल्दी डालकर आप ले सकते हैं। जो गर्म दूध जब भी आप सेवन करते हो उसमें आधी चम्मच हल्दी जरूर डालें, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ेगी और आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। इसके साथ साथ नारियल का तेल, जो घरों में या देसी घी जो हर घर में आसानी से अवेलेबल है, को सुबह या शाम को क्या क्या करना है, आपको नाक में डाल के थोड़ा नाक में डालना है, जिससे आपकी क्या है सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और नज़ला भी ठीक रहेगा। इसके साथ साथ एक चम्मच नारियल तेल मुंह में रखें और इसे पीना नहीं है, 2 से 3 मिनट बाद इसे गर्म पानी के साथ बाहर निकाल देना। यानी कि आप नारियल तेल का एक चम्मच लेकर पहले मुंह में रखें, जैसे कुल्ला करते वैसे 2 या 3 मिनट के बाद इसको गर्म पानी के साथ बाहर निकाल सकते हैं। आप कुल्ला करके 2-3 मिनट बाद इसको बाहर निकाल सकते हैं। साथ साथ कफ या गले की खराश होने पर लौंग पाउडर, अगर आपके गले में या कफ खराश या कोई कफ है तो लौंग पाउडर के साथ शहद मिलाकर 2 या 3 बार आप ले सकते हैं, जिससे आपके कफ या गले में खराश ठीक हो सकती है और आप कोरोना वायरस जैसी महामारी से बच सकते हैं। इसके अलावा आप घर में बैठे स्टीम भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि हम कोरोना जैसी महामारी के संकट से जल्द छुटकारा पा सकें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।